जी न्यूज चैनल में। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। शिव चौक पर एमएलसी स्नातक व शिक्षक सीट जीतने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने जमकर मनाया जश्न। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के द्वारा एमएलसी स्नातक एवं शिक्षक सीट जीतने के बाद जमकर जश्न मनाया गया एवं एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी मेहनत की है। आज उसी का परिणाम है कि काबिल नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा हार का मुंह दिखाने का काम किया गया है एवं भाजपा के प्रत्याशी हर क्षेत्र में जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नई मंडी मंडल के अध्यक्ष राजेश पराशर की राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल एवं जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने जमकर तारीफ की है। सदर विधानसभा के तीनों मंडल में नई मंडी मंडल के वैदिक पुत्री कन्या पाठशाला सेंटर पर दोनों प्रत्याशियों को सबसे सर्वाधिक मत मिले हैं, जिसमें नई मंडी मंडल अध्यक्ष राजेश पराशर बधाई के पात्र हैं। नई मंडी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने भरपूर मेहनत की है, जिनके अथक प्रयास से विजय प्राप्त हुई है। जी अध्यक्ष जी, आज जीत की खुशी मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में हमारे स्नातक के प्रत्याशी दिनेश गोयल और शिक्षक के प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा जी को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सभी कार्यकर्ता मतदाता और भारतीय जनता पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर के सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मतदाताओं को यहाँ सभी का जो है धन्यवाद करने के लिए और भोले बाबा के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेते हुए सबको शुभकामनाएं देते हुए कि हमारी बहुत अच्छी विजय हुई है। लगातार कार्यकर्ता रात दिन इसमें कई दिन से लगे हुए थे, यह चुनाव हमने जीता है और पिछले 48 साल से पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है और हम ये दोनों चुनाव अच्छी वोटों से जीते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आप मुजफ्फरनगर में शिवमूर्ति पर हैं और शिवमूर्ति पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला जी, चारों मंडलों के हमारे अध्यक्ष, पार्टी के सब पदाधिकारी, जिन्होंने बूथ तक और मतदाताओं तक डोर टू डोर जाकर के लोगों को कन्विंस काम करने का काम किया, मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया, चाहे शिक्षक सीट पर हमारे श्रीचंद शर्मा जी हों, चाहे स्नातक सीट पर दिनेश कुमार गोयल जी हों, जिनको भारी मतों से मुजफ्फरनगर की जनता ने जिताने का काम किया, उन सब कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का, पार्टी के सभी समर्पित सिपाहियों का हम धन्यवाद करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए और जीत का उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ शिवमूर्ति पर इकट्ठा है। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी हमारे माने मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में देश के अंदर चहुंओर की विकास हो रहा है, गरीबों के कल्याण की योजनाएं बन रही हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर देश लगातार प्रगति कर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार हम आगे हैं, रोजगार के क्षेत्र में लगातार देश प्रगति कर रहा है और गरीबों का कल्याण हो रहा है। आटा, दाल, चावल, गैस, बिजली, यानी मकान, आवास, उनको किसानों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष देना, यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वैसा काम प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है। उसी का परिणाम है कि कार्यकर्ताओं के बल पर, मतदाताओं के बल पर ये भारतीय जनता पार्टी का ये दो चौ हम जीते हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है और बहुत बड़ी विजय। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी समर्थकों को, मतदाताओं को आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए। तो अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4G न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर अवश्य दें।